इनके प्रोटोकॉल ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था साहब, बिजी है साहब मीटिंग में। आज साहब बिल्कुल अकेले हैं और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये क्या हो गया आपको? आप तो जज थे, आपका दबदबा था, जैसे चाहते थे कलम चला देते थे, हैं? आप ऐसे हो गए? आप इतने तनहा हो गए? आप इतने अकेले हो गए? ये क्यों? आप यहाँ पे भी जज ही है ना साहब? साहब याद है, मैं वही हूँ जिसकी बाइक चोरी हो गई थी। मैं आया था आपके ऑफिस के बाहर, 6 घंटे खड़ा था, मगर आपके प्रोटोकॉल वाले तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे साहब बिजी है। तो आप यहाँ पे भी डीएसपी है क्या? अब आप डीएसपी नहीं है? अब आपके गार्ड मुझे रोकेंगे तो नहीं? कोई मुझे धक्के दे के बाहर तो नहीं निकालेगा? हैं? मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी यहाँ पे? आप तो वही साहब है ना जिसका लाहौर में अलग बंगला था, कराची में अलग, इस्लामाबाद में अलग, और आपकी फैमिली यूके में रहती थी, मगर आजकल आप इतनी छोटी जगह में रह रहे तो लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत पे बात नहीं आएगी? हैं? आप यहाँ भी तो बहुत बड़े, आप तो इतने बड़े बिल्डर थे, आपका तो इतना नाम था, आप तो सारी चीजें बना बना के लोगों को बेचते थे और उसके बाद उसकी डबल फाइल निकल आती थी। तो क्या यहाँ पे भी कोई डबल फाइल है? यहाँ पे भी आप बिल्डर हैं? अरे साहब, आप तो हर चीज ब्रांडेड पहनते थे, हैं? जूते भी ब्रांडेड, बनियान भी ब्रांडेड, कपड़े भी ब्रांडेड, हैं? तो क्या यहाँ पे भी सारी चीजें ब्रांडेड है? अच्छा, ये बताएं, ये जो आपने यहाँ लगवाए हैं ये कुछ पौधे, क्या ये भी ब्रांडेड है? अरे यहाँ तो मुझे ना डीएसपी मिल रहा है, ना मुझे जज मिल रहा है, ना मुझे ब्रांडेड वाले मिल रहे हैं, ना मुझे बिल्डर मिल रहे। अरे ये हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब कुछ बोले तो सही। हाजी साहब, हाजी साहब, आप तो बहुत बड़े ताजिर थे, आप चीजें स्टॉक करके रखते थे और उसके बाद उसको डबल रेटों पे बेचते थे। आप ये सोचते थे कि चीजें महंगी होगी तो मैं डबल रेट पे बेचूंगा तो मुनाफा होगा। तो यहाँ भी आप सारी चीजें क्या डबल रेटों पे बेच रहे हैं? और क्या यहाँ भी आप हाजी साहब हैं क्या? जो आज साहब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है।